नमस्ते आप सबको। मुझे ज़रा ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं मूर्ति साहब को कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, क्योंकि मेरे आने से पहले बॉम्बे में वो काम करना शुरू कर चुके थे। मगर उनके काम के बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि उनके साथ जिन जिन्होंने काम किया, सिनेमाटोग्राफर वगैरह, वो ज़्यादा जानते हैं टेक्निकल साइड। मगर एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे पास एक दो तीन इंसिडेंसेस हैं जो मैं कभी भूली नहीं, कभी नहीं भूल पाऊँगी। वो ऐसा हुआ जब मैं बॉम्बे आई और मैं, मेरी मदर और हम किसी को भी नहीं जानते थे बॉम्बे में। और जब शूटिंग शुरू हुई तो एक दिन मूर्ति साहब ने आके पूछा, तुम मद्रास की हो तो तेलुगु या तमिल जानती हो? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उस दिन से मूर्ति साहब मेरे साथ, मेरी मदर के साथ तेलुगु में बात किया करते थे। तो वो एक उस वजह से एक बॉन्डिंग हो गई मेरी और मूर्ति साहब की। ये अक्सर होता है, अगर आप कहीं दूसरे मुल्क में जाएं, आपकी ज़बान बोलने वाला कोई मिला, यू फील योर नियरर टू दैट पर्सन एंड यू फील मोर सिक्योर दैट यू आर गोइंग टू बी, यू नो, टेकन केयर ऑफ लाइक। तो ही वॉज वेरी 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 स्वीट, वेरी हम्बल, और कभी शोर नहीं मचाते थे सेट पे। लाइटिंग के बाद चंद लोग शोर मचाते हैं, वो लाइट नीचे करो ऊपर करो, इनकी तो आवाज़ ही नहीं सुनाई देती थी। एक बार क्या हुआ, कागज़ के फूल की शूटिंग हो रही थी, और आज आप लोगों ने अगर देखी हो वो फिल्म तो शायद एक उसमें सीन है याद आएगा, जहाँ नाज आती हैं, अब मुझे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप अलग हो गए हैं, तुम छोड़ दो और चली जाओ। तो मुझे ये कहना था कि तुम्हारे तो माँ बाप हैं मगर मेरा तो कोई भी नहीं है। बस ये डायलॉग मैं बोल नहीं पा रही थी और रो पड़ती थी। और उस वक्त क्या हुआ, उस दिन गुरुदत्त जी बार बार बाहर जाते थे, उनका कुछ दूसरा काम था। उन्होंने कहा, मूर्ति तुम लाइटिंग करो, आप लोग रिहर्सल करो, फिर मैं आके शॉट ले लेंगे, ठीक है? तो ये इतनी बार मैं डायलॉग बोलने से पहले बहुत ज़्यादा रोती थी। तो नाज बेचारी वो भी परेशान हो गई कि आप रिहर्सल में क्यों इतना रो रही हैं, थोड़ा संभालिए अपने आप को। वो नहीं, पुरानी थी, मैं नहीं थी। मैंने कहा हाँ सही बात, ठीक कह रही लड़की। तो एक घंटे के बाद गुरुदत्त जी सेट पे आए, कहने लगे चलो मूर्ति सब तैयार है, एक फाइनल टेक करते हैं, रिहर्सल करते हैं, फिर टेक करते हैं। तो मूर्ति कहने लगे, गुरु मैं खुश नहीं हूँ। क्यों, किस बात से खुश नहीं हूँ? नो, आई एम नॉट हैप्पी व्हाट आई हैव डन। अरे क्या बात कर रहे हो, तुमको मैंने एक घंटा दिया, मैं बाहर था, क्या कह रहे हो तुम?